यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एससीईआरटी पैटर्न पे बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं आप सभी के लिए हैंड राइटिंग नोट्स में। तो कोशिश करें कि ये कॉपी और पेन लेकर के बैठे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। बात करें अगर विश्व ओजोन दिवस की, तो आप सभी जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। जंगल अधिकार कानून क्या है? आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून लागू हुआ था। लकड़ी, पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार्य। किस आंदोलन का नारा है आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन का। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी। इसमें होता क्या है, तो पेड़ लगाने का कार्य किया था। ऑप्शन में आपको मिलेगा पेड़ संरक्षण भी, ध्यान रखिएगा। वन महोत्सव का उद्देश्य या फिर कार्य क्या है, तो पेड़ लगाने का कार्य होता है इसमें। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है मैती आंदोलन से, तो पहाड़ी इलाकों में शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा, ससुराल में लड़की जो है क्या करती थी, मायके की याद में एक पेड़ लगाती थी, एक पौधा लगाती थी, तो वही था मैती आंदोलन। जो पेड़ लगाती थी उसको मैती वृक्ष कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि मैती वृक्ष क्या है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। मेला जो है 6 वर्ष पे कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, और 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। एक और दिवस से क्वेश्चन यहाँ पे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। एक क्वेश्चन दिवस से मिलना ही मिलना है आपको परीक्षा में। यहाँ पे देखिएगा चिपको आंदोलन के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। और सुगाथा कुमारी कौन है, तो ये दक्षिण भारत से इनका संबंध था। शांत घाटी संरक्षण के लिए जो है इनका नाम आया, चर्चित है ये, और ये प्रकृति संरक्षण समिति के संस्थापक सदस्य भी रही हैं। इनको पुरस्कार भी काफी सारे मिले हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना अभी तक। बाबा आमटे से क्वेश्चन बन सकता है। बाबा आमटे का पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वन्य जीव संरक्षण 1986 में इनको पद्म विभूषण, और 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इनको, ठीक है। और पारिस्थितिक संतुलन से इनका संबंध था। मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि बाबा आमटे का संबंध किससे है, तीन ऑप्शन दे दिए गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पारिस्थितिक संतुलन, वन्य जीव संरक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना इन तीनों से ही इनका संबंध था। यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। चिपको आंदोलन आप सभी जानते हैं उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। तो हमारे देश की जो स्थल सीमा कितनी है, 15,500 किलोमीटर। समुद्री सीमा कितनी, 7,500 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान क्या है, मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी, तो एससीईआरटी कहती है 71%, ठीक है। अदर बुक में कुछ भी मिले आपको इससे नहीं मतलब है, यूपीटेट के लिए या सुपरटेट के लिए। पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। राष्ट्रीय गीत पूछा जा सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कुछ विधियां हैं, जैसे सुखाना तो सूर्य में रख करके, जैसे एक क्वेश्चन सीटेट में इसी पैटर्न पर पूछा गया है कि जार को सुखाने के लिए हम धूप में क्यों रखते हैं, तो सुखाने के लिए। ठंडे स्थान पर रखना, फ्रिज में रखा जाता है, उबाला जाता है, और कुछ रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। गर्म करके तुरंत ठंडा करना क्या होता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पाश्चुरीकरण क्या है। तो गर्म करके तुरंत ठंडे करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। जैसे डॉक्टर कभी कभी सलाह देते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, बुखार होता है ऐसा कुछ वायरस होता है, तो मतलब यही है कि पाश्चुरीकरण क्रिया यही होती है कि आप पानी को गर्म करें या किसी भी चीज को गर्म करें, दूध को ही गर्म करें, और फिर ठंडा बच्चे को दिया जाता है ना, तो ये होती है पाश्चुरीकरण, ठीक है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, ये आप सभी जानते हैं, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी के ही प्रकार हैं। और सुनीता नारायण के बारे में जान लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, देखिए औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर इन्होंने शोध किया था। हरित और सतत विकास की ये समर्थक रही है। 2005 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और राज्य लक्ष्मी पुरस्कार भी मिला। तो ये सारी चीजें जो है एससीईआरटी से है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। फसलें जैसे खरीफ की फसलें, तो इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास या जाएंगी, और काटने और बोने का समय आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी प्रकार से रबी और जायद तीनों के बारे में इसका ट्रिक वीडियो बना है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साधारण बीज किसान स्वयं तैयार करते हैं, और उन्नतशील जो बीज होते हैं ये वैज्ञानिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सिंचाई की नई पद्धति जिसको कहते हैं टपक सिंचाई, इसमें क्या होता है, पानी को एक फवारे के रूप में, मतलब ट्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई
टपका करके सिंचाई की जाती है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है, तो ये फव्वारा द्वारा, ठीक है, गेहूं मटर आदि के लिए उपयोगी है। हरित क्रांति की शुरुआत या कब आई, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 1966-67 विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बांस घर कहाँ होते हैं, तो असम में, जहां अधिक बारिश हो, क्योंकि बांस क्या है, सड़ता नहीं। बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। मिट्टी के घर जहां बारिश कम हो, गर्मी ज्यादा हो, और तैरते हुए घर को हाउस बोट भी कहते हैं, ठीक है। बिना दीवार के घर कहां बनाए जाते हैं, तो अमेजन के जंगलों में। भारत की जल नीति कब आई, तो 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति कब आई, तो 2002 में, ठीक है। विश्व जल दिवस अभी आपने पढ़ा 22 मार्च। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछ रहे सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो पुष्यगुप्त ने। कौन थे ये, चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे। गुप्त शासकों के द्वारा जल संरक्षण किया गया, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सम्राट स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई नहरों का भी निर्माण कराया गया। राष्ट्रीय जल नीति ने जल को दुर्लभ बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया, क्योंकि बताया गया, मतलब राष्ट्रीय जल नीति जब आई, तो उन्होंने देखा कि जल क्या है, धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जा रही, पेयजल की मात्रा कम है, तो इसको दुर्लभ बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाए, उनको विलेय कहते हैं, जो ना घुले उनको अविलेय, और विलेय पदार्थ जिसमें घुल जाए उनको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन क्या है, किसी विलेय पदार्थ के घुलने पर बनता है ये, ठीक है, विलयन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है, जैसे गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुल जाती है। सिंकोना क्या, इससे क्वेश्चन आया है, तो सिंकोना वृक्ष की छाल से कोनैन, इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में होता है। मनुष्य बिना जल के 6 दिन तक जीवित रह सकता है, और मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। ये सब डेटा SCERT बुक से ही है, ठीक है। 70% भाग जल है, और अगर 1% की कमी हो शरीर में, तो प्यास महसूस होती है, यानी प्यास लगती है, और 5% की कमी हो तो त्वचा सिकुड़ जाती है, और 15% की कमी होगी अगर जल में, तो निर्जरीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। सांपान क्या है, चीन में बहुत से लोग नाव पर घर बनाते हैं, इसी को हम सांपान कहते हैं, इसी पे अपना मुर्गी पालन और सब्जी भी उगाते हैं, समझ रहे हैं क्या है। चीन में बहुत से लोग नाव पर ही रहते हैं, और वहीं पे मुर्गी पालन सब्जी पालन भी करते हैं। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाए, तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। और चिकनगुनिया ये विषाणु वायरस मच्छर क्या होता है, ये दिन में ही काटते हैं। CNG आप सभी जानते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अवयव देख लीजिए, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, और ये गैस जो है हवा से भी हल्की है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा CNG के बारे में, कौन सा विकल्प सही नहीं है या सही है, तो आपको ध्यान रखना है ये हवा से भी हल्की होती है, इसके अवयव हैं मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ये डीजल और पेट्रोल की तुलना में CO2, NO2 और ऑर्गेनिक गैस कम उत्पन्न करती है, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है, उसको भ्रूण कहा जाता है। मूलांकुर क्या है, तो ये जड़ से प्रांकुर से तना निकलता है, अंकुरित बीज ये पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बीज से नन्हे पौधे का बनना ही बीज का अंकुरण कहलाता है, जो बीज से नन्हा पौधा नहीं निकलता है अंकुर, उसी को मूलांकुर कहते हैं। अब यहाँ पे कक्षा 5 के कुछ पॉइंट्स हैं। विश्व में भारत, तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, 29% भाग पे स्थल है, और ग्लोब का अधिकांश भाग किस कलर का दिखाई देता है, तो नीला। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में नीला, हरा, पीला कुछ भी दे देगा, पढ़ा नहीं होगा अगर आपने तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर महासागर कितने हैं, 5, महाद्वीप कितने हैं, 7, संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। पृथ्वी पर बहुत बड़े स्थलखंडों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। विशाल जलराशियों को महासागर कहते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। महासागर के कुछ यहाँ पे नाम दे रखे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर, क्योंकि अभी अभी आपने क्या पढ़ा, 5 प्रकार के होते हैं, तो 5ों के नाम है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तृत एवं गहरा, तो प्रशांत महासागर है। अभी भी हमने आपको बताया गहरा स्थान क्या है, तो मेरियाना गर्त। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, कहाँ है, तो इसी महाद्वीप पे है, एशिया महाद्वीप पे। विश्व की 59% जनता यहीं पे निवास करती है, और मौसम से अनुकूल बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में साइबेरिया में रहते हैं। मौसम से अनुकूल बनाए रखने के लिए जो पक्षी हैं वो हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर यात्रा करके हमारे देश में आते हैं, इन्हें ही हम
क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है प्रवासी पक्षी क्या है, तो मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों जैसे साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर यात्रा करके हमारे देश में आते हैं, इन्हीं को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। अब यहाँ पे 6, 7, 8 का मिक्स डेटा है। जीवों की पारिस्थितिक का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो परिवेश का अध्ययन। अब यहाँ पे कुछ उपभोक्ता दिए हैं, सभी जानते होंगे, प्रथम चरण में मनुष्य गाय बकरी, द्वितीय चरण में शेर चीता भेड़िया, फिर तृतीय में गिद्ध चील बाज। अब घटक क्या है, तो मृत शरीर से पोषण लेते हैं, इनको मृतपोषी भी कहा गया है, ठीक है। निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल जल वायुमंडल, किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर गिद्ध या पक्षी कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाए तो क्या होगा, फिर पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा आहार श्रृंखला क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार जाल क्या है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक श्रृंखलाएँ होती हैं, कई खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बना लेती हैं और आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, प्रकाश ऊर्जा का 1-5% भाग ही हरे पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। अनुकूलन कैसी प्रक्रिया है, ऑप्शन में दे देगा, पूर्वकालिक समकालिक। तो ध्यान रखना है अनुकूलन आपको कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलती है। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, 11 मिनट हो चुके हैं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यहां से कुछ खास नहीं है, इसको देख लीजिएगा। सांप जो है बिल नहीं बनाते, ये दूसरों द्वारा बनाए गए बिल में रहते हैं और जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। वायु का 1/5 भाग ये आग को जलाने में सहायता करता है, अगर वायु ना हो तो फिर समझ रहे हैं आग भी नहीं लगेगी। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जामुन से क्या फायदा होता है, तो जामुन के जो बीजों का चूर्ण है वो मधुमेह में सहायक होता है, पूछा जा सकता है। सिंकोना की चाल अभी आपने पढ़ा, मलेरिया, विलुप्त प्रजातियां डायनासोर और मेमथ, संकटग्रस्त में बाघ और गिद्ध, पेरियार कहाँ है, तो केरल में है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, जल्दापारा बंगाल में है, कान्हा बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, जिम कार्बेट आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, केवलादेव सरिस्का कहाँ है, ये राजस्थान में, इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। अगला अगर आपसे प्रश्न पूछ ले घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये कुकरेल वन में है, बहराइच में, करतनिया घाट में, ठीक है, पूछ सकता है आपसे प्रश्न। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984-85 में हुई थी। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना, तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त योजना है जो मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये 1992 में भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में शुरू किया गया, यूपी में भी इसकी शुरुआत हुई। एलिफेंट रिजर्व जो है निर्माणाधीन कहाँ है, तो बिजनौर और सहारनपुर में। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो इटावा के फिसर वन में है। लायन सफारी कहाँ है, ये इटावा में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क अभी निर्माणाधीन है, अब शायद बन गया हो, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। इको डेवलपमेंट योजना, वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना ही इको डेवलपमेंट योजना कहलाती है। सामाजिक वन की योजना क्या है, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से शुरू हुई थी, प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए। वन महोत्सव आप सभी जानते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 19 मार्च 1998 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। जल के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। SCRT कहता है कि 97% भाग समुद्री जल के रूप में और 3% शुद्ध जल है, ठीक है। मीठे जल में लवण की मात्रा कम होती है। पृथ्वी पर जल के स्रोत क्या हैं, धरातली, भूमिगत और हिमनद। धरातली स्रोत में आप सभी जानते हैं समुद्र नदियाँ। भूमिगत जल में क्या होता है देख लेते हैं, धरातल पर पाया जाने वाला जल का कुछ भाग रिस कर अंदर आ जाता है, वही क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी SCRT से है। पुनर्भरण क्या है, तो वर्षा के जल को बांधों तालाबों में रोकने की प्रक्रिया पुनर्भरण यानी रिचार्ज कहलाती है। हिमनद क्या है, पृथ्वी की धरातली सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार हिमनद है और यह जल प्रायः क्या होता है, स्वच्छ और मीठा होता है। 70% भाग केवल सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। मत्स्य पालन भी पानी का कृषि उपयोग है, मतलब मत्स्य पालन में जो पानी का प्रयोग होता है वो भी कृषि के अंतर्गत ही
आता है। कितना भाग गिरा है जल से पृथ्वी का, तो 3/4 भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भूजल क्या होता है, तो भूमि के अंदर का जल। भूसतही जल क्या होता है, भूमि के ऊपर का जल। थोड़ा सा डिफरेंस है, भूजल भूमि के अंदर, भूसतही मतलब सतह के ऊपर, तो भूमि के ऊपर का जल। जल का प्राकृतिक पुनर्भरण आपने पढ़ा भी। वर्षा का जल जो रेस रेस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्भरण। पुनर्भरण, कृत्रिम पुनर्भरण क्या होता है, तो तालाब बांध बांधकर जल को संचित करना ही कृत्रिम पुनर्भरण कहलाता है। पुनर्भरण बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हमें लग रहा है डिस्लेक्सिया हो गया हमको, है ना। तो यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। कंटूर बांध देख लेते हैं क्या है। यह कम वर्षा वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। इस विधि से वर्षा का जल अधिकतम उपयोग समान ऊंचाई वाले ढलानों पर चारों तरफ बांध बनाकर रोका जा सकता है। यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बना है। पर्यावरण दो प्रकार के यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्राकृतिक और मानवीय। स्थलमंडल आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के सतह के ठोस भाग को भूमंडल स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल, जल वाले सभी भाग जो कि पृथ्वी का 3/4 भाग है। जलमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली जलवायु को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल हो गया। संसाधन क्या है, वो सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। यहाँ पे कुछ सूर्य की उपयोगिता लिखी है। जल चक्र को बनाए रखने में सूर्य सहायता करता है, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, और विटामिन डी भी मिलता है सूर्य से हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे, तो ये सहनाई वादक थे। किशन जी महाराज तबला वादक, बिरजू महाराज कथक नर्तक, और गिरिजा देवी ये ठुमरी गायिका थी। ये सभी कहाँ के हैं, ये वाराणसी से संबंधित हैं। अब यहाँ पे 3 पॉइंट मिला करके आपसे पूछ सकता है कि इनका संबंध किस सिटी, किस जिले से है या किस प्रदेश से है। ध्यान रखिएगा, वाराणसी के निवासी थे ये लोग। आपदा के प्रकार देखिएगा, अचानक होने वाली घटना को ही आपदा कहते हैं, जिसका प्रभाव जीवधारियों पर पड़े। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में क्या था, सुनामी आपदा आई थी। तो इसमें दो प्रकार की आपदाएं हैं यहाँ पे, प्राकृतिक और मानव जनित। पृथ्वी के प्लेटों में असंतुलन से क्या होता है, भूकंप आता है। गुजरात राज्य में भुज में 26 जनवरी तथा अप्रैल 2015 में नेपाल में ये भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने का सभी जानते हैं सिस्मोग्राफ, पैमाना क्या है, रिक्टर स्केल, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने ना पढ़ा हो। इसकी रचना चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में की थी। मापन जो है 0 से 9 के बीच होता है, ठीक है। विनाशकारी जब इसका जो है, जब आप मापते हैं 8 से अधिक अगर अधिक है तो फिर विनाशकारी है। वास्तविक क्षति यानी 5 या उससे अधिक होगा तो ये वास्तविक क्षति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे सुनामी की उत्पत्ति, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र का जो है असंतुलित हो जाना। सुनामी है क्या, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। समुद्र में उठने वाली तेज विनाशकारी लहरों को ही हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। इनकी जो गति होती है 700 किलोमीटर पर घंटे होती है और ऊंचाई भी अधिक होती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी। भारत में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो अंडमान निकोबार में। अल्लाह का बांध क्या है, गुजरात के कच्छ में 16 जून 1819 को भूकंप की लहरें, गुजरात का तटवर्ती भाग जलमग्न हो गया था लहरों की वजह से। गुजरात के कच्छ में कब आई थी ये लहरें, 16 जून 1819 को। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थलीय भाग ऊपर उठ गया था। इस स्थलीय भाग पर लोग रक्षा हेतु शरण प्राप्त किए थे, इसी को हम अल्लाह का बांध कहते हैं। चक्रवात, चक्रवात के अन्य नाम है, यूएसए में इसको हरिकेन कहा जाता है, चीन और जापान में और फिलीपींस में इसको टाइफून कहा जाता है, बांग्लादेश और भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। विली विली कहाँ कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। हुदहुद क्या है, इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत में इसे कठफोड़वा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने बॉक्स में रखा है। हुदहुद क्या है, इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत में इसको कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। 12 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तूफान यानी चक्रवाती तूफान टकराया था। इसी उड़ीसा ने, ठीक है, इसे ओमान देश ने क्या कहा, हुदहुद का नाम दिया था। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में टकराया था, लेकिन ओमान देश ने इसको क्या कहा कि हुदहुद। जैसे अभी एक तूफान को आया था, उसका नाम क्या दिया गया था, आप सभी को पता हो तो कमेंट करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एससीईआरटी से। चाक चलाने की डंडी को चक्रती कहते हैं, गड्ढे को गुलबी कहते हैं,
बेड़, आप सभी जानते होंगे बेड़ को बेहन भी कहा जाता है, जैसे धान की बेड़ होती है। जिस बर्तन में पानी रखा जाता है कुम्हार, उसको कुंडी कहते हैं, कुंडी बर्तन की ठुकाई के लिए औजार, इसको ठापा और पिंडी कहा जाता है। भारत की पहली नगरी सभ्यता क्या है, तो सिंधु सभ्यता है, इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, थर्मामीटर का काम क्या होता है, शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया स्टॉप वॉच वाला। श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र क्या है, तो स्टॉप वॉच। स्टेथोस्कोप क्या है, इससे हम दिल की धड़कन को नापते हैं। प्याज में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो प्याज में विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। ये फसल रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाती है, रबी और खरीफ बार लिखा है यहाँ पे। मधुमक्खियों के फूल के संपर्क में आने से ही शहद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, आयु कितनी, 3 वर्ष। रानी चींटी अंडे देती है, चींटी की बात है, ऊपर मधुमक्खी की बात थी। सिपाही चींटी का काम क्या है, बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां जो क्या करती हैं, भोजन ढूंढती हैं। मधुमक्खी पालन को, इसका डिटेल वीडियो कल ही दिया, नहीं देखा ये बटन में दे देंगे। मधुमक्खी पालन एपिकल्चर, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर। पश्मीना साल बनती है, इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आता है और एससीईआरटी में। यहाँ पे एससीईआरटी में खास बात ये कही गई है कि पहाड़ी बकरियों की ये खास नस्ल है पश्मीना, ये एससीईआरटी में कहा गया है। कुत्ता क्या है, तो ये पहला पालतू पशु था, क्वेश्चन पूछ ले पहला पालतू पशु कौन सा, ऑप्शन में आपको गाय दे देगा, बंदर दे देगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कुत्ता जो है पहला पालतू पशु था। मेढक और बत्तख में क्या पाया जाता है, पाद जाल पाया जाता है, जो तैरने में सहायता करता है। ठीक है, अगला देखिए, शेर लिखा है यहाँ पे, मटमैला रंग, घास में छिपने के लिए। शेर का जो रंग है मटमैला क्यों है, जिससे छिपे तो मतलब देखना कोई पाए, बस यहाँ पे और कोई खास बात नहीं है। पक्षियों के शरीर की आकृति धारारेखित होती है। मूल रोम क्या है, तो जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तना क्या है, इससे क्वेश्चन अभी आया था सीटेट में, आलू अदरक और हल्दी क्या है, तने हैं। यहाँ पे वीडियो बड़ा हो रहा है, पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, खैर एक ही वीडियो में इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे मेला के बारे में कुछ चीजें हैं। कुंभ मेला कहाँ का लगता है, तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन जगह पे कुंभ मेला लगता है। और सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बिहार में। पुष्कर मेला राजस्थान में। देवाशरीफ बाराबंकी। नौचंदी का मेला मेरठ में। स्थानीय मेले में स्थान विशेष की खान पान, पहनावा, लोक नृत्य, लोकगीत के बारे में लोग जानते हैं। जलजनित रोग यहाँ पे है पीलिया, हैजार्ड, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड। इबोला क्या है, इंपॉर्टेंट है, इबोला क्या है, संक्रामक रोग है, जो इबोला नामक विषाणु से होता है। इस रोग की पहचान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में हुई थी, इसी कारण इसको इबोला के नाम से जाना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इबोला को इबोला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहचान इबोला नदी के पास एक गांव में ही हुई थी। इस बीमारी में क्या होता है, नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हम रक्तस्रावी ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इसमें लक्षण देख लीजिए, उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द, गले में कफ। रोग की पहचान 21 दिन में, यानी 3 सप्ताह में, मतलब 3 सप्ताह में ही आप इसको पहचान पाएंगे, ये रोग है। पहचान होने में लगभग 21 दिन का समय लग जाता है। कैसे फैलता है ये, तो संक्रमित व्यक्ति के शव के संपर्क में आने से, संक्रमित सुई से, और सांस के जरिए नहीं फैलता, ध्यान रखिएगा। जलजनित रोग है यहाँ पे, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, हैजा और कुछ मच्छर की प्रजातियाँ यहाँ पे। ठीक है, NDMA का फुल फॉर्म है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारतीय संसद 2005 में आपदा प्रबंधक विधेयक पारित किया गया, कब पारित किया अगर आपसे पूछ ले तो 2005 में। लू को हम ताप लहर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था, तो लोगों को जागरूक करना और बचाव हेतु तैयारी करना जो रोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। जिला DM, NDRF, ये क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF। इसका कार्य क्या होता है, आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य में अग्रणी भूमिका निभाना होता है। पता नहीं निभाते कि नहीं निभाते, लेकिन बनाया गया है। आगरा का पेठा मशहूर है और ताजमहल आप सभी जानते हैं, 7 अजूबे में से एक है। लखनऊ की रेवड़ी मशहूर है और मथुरा का पेड़ा मशहूर है। क्वेश्चन दे देगा 5-6 एक ही में और आपसे कहेगा मिलाइए, सही जोड़े मिलाइए, तो पता होना चाहिए आपको। झांसी किस लिए प्रसिद्ध है, बुंदेलखंडी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है ये, यहीं पर पंचमहल और शेख सलीम की चिश्ती है। और पर्यावरण असंतुलन
देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, प्रश्न पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़ से अधिक है। कितना भाग है पूरे पूरे विश्व का, पूरे देश, सॉरी विश्व नहीं देश का, क्षमा कीजिएगा, 16.5% 16.5% है। यहाँ से भी कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए, वाहनों से पेट्रोलियम तेल के गहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। ई कोलाई क्या है, तो एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे अत्र शोध या पेचिस होती है, ठीक है। मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है, और यही स्थिति अगर बनी रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा, इससे गंगा सूखने की कगार पे आ जाएगी, ठीक है। गंगोत्री हिमखंड की बात है यहाँ पे। कक्षा 3 की पर्यावरण से कुछ पॉइंट, गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है, क्यों, क्योंकि अनाज के दानों को चिड़ने फाड़ने के काम आए। शकरखोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है, क्यों, क्योंकि फूलों का रस चूसना इनका काम होता है। बाज और चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है। अब आप सोच रहे छोटी छोटी चीजें, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है। शाकाहारी पशु क्या है, इनके आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास बातें, यहाँ पे शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। NH4 दे देगा, NH6 दे देगा, ध्यान रखिएगा NH2, कोलकाता से दिल्ली तक। नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, बेतवा, रामगंगा, टोंस, सोन, राप्ती और शारदा। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी जिले में मिलता है। देश में रेल मार्गों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर चली थी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी बाबतपुर में है। चौधरी चरण सिंह कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, कानपुर में। के बोलते बोलते खांसी भी आने लगी, गला भी सूख गया, तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। चौधरी चरण सिंह कहाँ है, लखनऊ में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। दीनदयाल हवाई अड्डा कहाँ है, आगरा में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में। अगर नाम बदल गया हो योगी सरकार में, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद इनका नाम बदल गया है कुछ का, प्लीज़ इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला एकमात्र राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला खीरी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। स्वशासन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य, जैसे इसका सॉरी ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या होता है, प्रधान। उम्र कम से कम 18 वर्ष और 5 वर्ष तक के लिए चयनित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत, तो कई ग्राम पंचायत मिलकर के क्षेत्र पंचायत बनती हैं। जिला पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत मिलकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं। राज्यपाल के निवास को क्या कहते हैं, तो राजभवन कहते हैं। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में है। गोरखपुर कहाँ है, तो राप्ती नदी के पूर्वी तट पे है। मथुरा का प्रमुख वाद्यंत्र श्री कृष्ण कन्हैया जी का बांसुरी है। और ऊंट के कुबड़ में भोजन भसा के रूप में संचित रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं, प्रश्न पूछ लेगा, ऊंट के कुबड़ में भोजन डैश के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन में दे देगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गड़बड़ कर देंगे आंसर अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडों की देखभाल रानी मधुमक्खी करती है, नहीं यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, अंडों की देखभाल वकील श्रमिक कमेरी मधु भी कहते हैं। अंडे देने के काम कौन करती है, आप सभी को बताया गया, रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है। देखिए, अंडे देने का काम कौन करती है, रानी मधुमक्खी, यहां पे इसीलिए लिखा है देती है, अंडे देती कौन है, रानी मधुमक्खी। और अंडों की देखभाल कौन करता है, वकील श्रमिक कमेरी, इनको भी कहा जाता है, ये इनके नाम है अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधान और सचिव ये कहाँ बैठते हैं, पंचायत भवन में। खरगोश, चूहा जमीन के अंदर बिल बनाकर, और मधुमक्खियां समूह में यानी छत्ते में रहती हैं। सांप बिल में रहते हैं लेकिन खुद के बिल में नहीं, चूहे और खरगोश के बिल में रहते हैं। सबसे पहले खोजी गई धातु कौन है, तांबा है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। छोटे नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत, नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था, फिर नगर पालिका परिषद बनता है। नगर निगम क्या है, तो नगर पालिका परिषद वाले नगरों से अधिक आबादी जहां पे होती है वहां पे नगर निगम होता है।
जिला विद्यालय निरीक्षक, इनका काम क्या होता है? माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख, पठन पाठन की व्यवस्था करना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनको BSC के नाम से जाना जाता है। नागरिक शास्त्र, कुछ क्वेश्चन एक दो आते ही हैं। तो संविधान सभा कब बनाई गई? 1946 में। सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे क्वेश्चन दो बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। इसके लिए संविधान का डिटेल वीडियो बनाए, 81 क्वेश्चन कराए। नहीं देखा, ऊपर आई बटन में वीडियो दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है? सारे वीडियोज के लिंक आई बटन में मिल जाएंगे। आप वैसे जानते ही होंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू हुआ। कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने थे तब? 395 में। अभी कितने, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। गठन कब हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार का? 1993 में। मौलिक अधिकारों की संख्या 6। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन में 21 का में जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक अधिकार में ही जोड़ा गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मार्च में, कार्यालय लखनऊ में है। बचपन बचाओ आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। SCRT में लिखा है कि विधान परिषद के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी? तो 100 है। विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद से मिलकर के बना है। हमारे राष्ट्रगान में कितनी नदियों के नाम आते हैं? तो 2। संसार की पूरी जैविकता करने के लिए, मतलब एक जैविकता के लिए जिम्मेदार कौन सी संस्था है? तो IUCN, ठीक है। विरटिका प्रणाली का संबंध किससे? तो बाल केंद्रित शिक्षा से। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक करें। इसका पार्ट 2, अगर आपको ये पसंद आया होगा, इस पर लाइक और शेयर कमेंट होंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, बहुत मेहनत लगती है। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा? ब्लैक होल क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता है तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।